राजस्थान होमगार्ड न्यू अपडेट। दोस्तों 2023 के अंदर राजस्थान होमगार्ड के बहुत ही सारे अपडेट आए, और जैसे कि आपको मेरी सिचुएशन पता है, अभी मैं बहुत बड़े एक सदमे से निकला हूँ और शायद इस चीज़ को मैं नहीं भुला पाऊँगा। अंजलि मेरी बड़े भाई की बच्ची थी और वो इस कदर हमको छोड़ के चली गई, और उसको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ अगर आप को इंटरेस्ट है मेरी लाइफ के अंदर तो ज़रूर मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और शायद इस सदमे को हम अभी तक लाइफ टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं, हम नहीं भूल पाएंगे सदमे को, काफ़ी बुरा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं तो वो बात अलग है, बाकी सबको अपना मतलब होता है, आपको सबको चलो सब मैं ये नहीं कहता, वो चीज़ें अलग हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। राजस्थान होमगार्ड वैकेंसी 2023 के अंदर जो चल रही थी तो उसके बहुत ही जल्दी कॉल लेटर जारी हो चुके हैं, और एक्चुअली कुछ ज़िलों के कॉल लेटर अभी जारी हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों राजस्थान होमगार्ड जो कि 2023 का जो बजट पास हुआ है राजस्थान होमगार्ड के लिए, उसमें काफ़ी कुछ मिला है राजस्थान होमगार्ड को, जैसे कि हम कह सकते हैं सैलरी, ड्यूटी और डीए वगैरह। अगर सैलरी डीए की अगर पूरा इन्फॉर्मेशन ही देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से भाई कह रहे थे कि सर आपने उस वाले वीडियो में हम समझ नहीं पाए, वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे क्या वेतन, क्या भत्ता, क्या डीए और कैसे क्या मिल रहा है, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी दूंगा। तो 2023 जो बजट लागू होने के बाद राजस्थान होमगार्ड का क्या डीए है, सिविल और वर्दी के अंदर क्या वेतन भत्ता मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके साथ ही प्लस एक अफवाह है या फिर ये रियलिटी है, रियलिटी है तो काफ़ी अच्छा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले मैं बताता हूं कि राजस्थान होमगार्ड वैकेंसी 2023 राजस्थान होमगार्ड का 2023 का जो बजट में जो घोषणा हुई है, जो कि एक्चुअली हम कह सकते हैं ये 100% मिलेगा। तो सबसे पहले हम सिविल से शुरू करते हैं। तो जहाँ तक आपको पता हो, राजस्थान होमगार्ड सिविल वैकेंसी जो सिविल ड्रेस में ड्यूटी करते हैं तो वो राजस्थान होमगार्ड के मुख्यालय कार्यालय में भी लगते हैं, अदालत में भी लगते हैं, ऐसे बहुत सैकड़ों कार्यालय है वहाँ पे वो अपनी सेवाएं देते हैं। अब सेवा किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, इसके अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो जहाँ तक मेरे को पता है राजस्थान होमगार्ड के अंदर जो सिविल सेवा देते हैं तो उसके अंदर अंदाजन जहाँ तक मुझे पता है कोई डीए लागू नहीं होता, उनको डीए नहीं मिलता है, उन्हें ओनली मूल वेतन मिलेगा जो पहले की 590 था, जो कि अब 697 रुपये हो चुका है। तो ये सिविल वालों का हो चुका है, तो इसमें उनको कोई डीए वीए नहीं मिलता, तो 697 रुपये के हिसाब से नॉर्मली उनका पेमेंट कर दिया जाता है। और सबसे फ़ायदेमंद बात हो, जो सिविल में जो नौकरी करता है उसे रोस्टर प्रणाली से दूर कर दिया जाता है। रोस्टर प्रणाली क्या है, इसके अंदर भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा अगर कॉमेंट आता है तो। वो एक 12 महीने रेगुलर हम कह सकते हैं, जब तक उसकी सिक्योरिटी होती है उस डिपार्टमेंट की, जब तक वो लगातार वहाँ पे कार्य करता रहेगा, उसे कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो उसको 697 रुपये के हिसाब से मंथली मिलता रहता है। तो ये तो है सिविल का 697 रुपये, इसमें कोई डीए वीए उसको लागू नहीं होगा। तो साथ ही अब बात करते हैं वर्दीधारी, क्योंकि वर्दीधारी अगर नौकरी करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, इसमें उसे डीए मिलता है, इसमें टीए नहीं मिलता है, ओनली डीए मिलता है, दैनिक भत्ता, और इसका मनोदय जो पहले 693 रुपये था अब इसको 797 रुपये कर दिया गया है। प्लस डीए कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ के आएगा अभी कह नहीं सकता, वर्तमान में डीए की खबर है कि वही है 250 रुपये है, और अब अपनी राजधानी यानी जयपुर को जाते हैं तो 300 रुपये। अगर फ्यूचर में इसमें कोई बदलाव या बढ़ता है तो मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो 797 रुपये प्लस 250 रुपये डीए, पहले डीए काफ़ी समय से बंद था, अब डीए चालू कर दिया गया है, तो यह एक खुशखबरी है। तो इस बार सैलरी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, और जहाँ पे आप 20,000 कुछ लेते थे तो मेरे साथ 23,800-23,900 कुछ ऐसे बनेंगे। तो यह है, प्लस उसमें डीए जुड़ जाता है तो काफ़ी अच्छी वेतन बन जाता है, और ड्यूटियों में काफ़ी कुछ बदला हुआ है। तो ये शॉर्ट आउट है, नॉर्मली कुछ ज़्यादा होमगार्ड को कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आपको 797 रुपये मनोदय मिलेगा मूल वेतन, और 250 रुपये बाहर जाने पे आपको डीए मिलेगा, साथ में 15 वही वर्दी धुलाई
और हार्ड अलाउंस यानी कि आपको जो रिक्शा साइकिल अलाउंस होता है जिसको हम बोलते हैं, तो इसका इस बार डीए में कोई भी विवरण नहीं हुआ है, वो मिलता है या नहीं मिलता है वो बाद में पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो दो ही चीज़ें, तीन ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, सिविल के अंदर 697 रुपये हैं, वर्दी के अंदर आपको 797 रुपये प्लस 250 रुपये डीए मिलेगा। और इसी कोई राजधानी में अगर आप ड्यूटी करने जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाओगे, तो आपको वहाँ पे 300 रुपये यानी कि 250 से 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपका, तो जिसको हम कह सकते हैं 797 प्लस 300 रुपये हो जाएगा राजधानी यानी जयपुर जाने वालों के लिए। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं आई है, बहुत कुछ मिला है, छोटा मोटा होम राजस्थान होम गार्ड को, और जो मैं कह रहा था एक खबर हमको मिली है, तो वो कब तक सच है कहाँ तक झूठ है तो उसको बताना बेकार है, क्योंकि एक अफवाह टाइप हो जाएगा। अगर वो शर्तें लागू होती है और वो चीज़ें अगर मिलती है तो काफ़ी कुछ बदलाव होगा। जैसे कि एक बार 2015 के अंदर भी ये सेम मुद्दा उठा था, जिसमें कहा गया था कि एक राजस्थान होम गार्ड को एक दिन की ड्यूटी करे या 1 महीना करे या 12 महीने करे, उसे पुलिस वेतन भत्ते पे यानी एक कांस्टेबल को जो पुलिस वेतन भत्ता मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसे दिया जावे। और ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, जब तक ये पूरा मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, जब तक मैं इसके बारे में अफवाह ही मानता हूँ, तो क्या है जो भी है, जब इसका आदेश ऑफिशियली मुख्यालय से आ जाएगा तो हम इसको मान देंगे, बाकी ये एक फेक न्यूज़ की तरह ही चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं इस पर, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था, तो मैंने शॉर्ट आउट कर रहा हूँ आपके लिए, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हाँ हालांकि मैंने देखा है सुना भी है इस चीज़ के बारे में, तो अभी फ़िलहाल मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसा आदेश या कोई जारी नहीं हुआ है कि राजस्थान होम गार्ड को पुलिस वेतन भत्ता प्लस डीए वीए जो भी मिलता है वो सारी चीज़ें लागू की जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, और बहुत ही जल्द आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, और सिचुएशन धीरे धीरे है कंट्रोल में, तो बस सपोर्ट कीजिए, आपके भाई को जल्दी से 10K कीजिए, काफ़ी रेगुलर्स वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस सिचुएशन से मैं निकल रहा हूँ, तो थोड़ा मूड ऑफ है, तो बस आज के लिए।